हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ रियलमी 3i फ़ोन, जो एक न्यू फ़ोन है रियलमी की तरफ से। तो ये अगर आप एक बजट फ़ोन लेना चाहते हैं 8000 के अंदर, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो अंत तक देखना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। Hold up. तो ये रहा हमारे पास Realme 3i का बॉक्स, और इस पर लिखा है Realme 3i, और Realme 3i की ब्रांडिंग है, और इसमें कुछ नहीं है। मैं जल्दी से इसका सील काट लेता हूँ। और हम इस डब्बे को खोल लेते हैं। और हमें सामने की तरफ दिखता है वेलकम टू द रियलमी फैमिली। अभी हम इसे साइड में रखते हैं, तो हमें ये हमारा फ़ोन दिख गया है रियलमी 3i, जो है ब्लू कलर में, देख सकते हैं ब्लू। और ये एक चार्जर अडाप्टर है रियलमी का ही, और ये साइड में केबल रखी है जो है सी टाइप। क्वालिटी बहुत अच्छी है चार्जर की। और अब इस देख लिस्ट में देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलता है एक सिलिकॉन का कवर और कुछ रियलमी के कागजात, फालतू के कागजात हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। तो अभी हम देख लेते हैं फ़ोन को ओपन करके। तो हमें ये फ़ोन मिलता है ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है लग रहा है। पीछे आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है 13+2 का, और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलती है, और दूसरी साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स और सिम स्लॉट, जिसमें आप डुअल सिम डाल सकते हैं मिनी वाली, और एक SD कार्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं दिएगा, सब नीचे ही। यहाँ पे आपको जैक मिल जाता है, और यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर्स। तो मैं जल्दी से फ़ोन को बूट कर लेता हूँ, और आपको सामने की तरफ नॉच मिल जाती है, जिसमें है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बेहतरीन लग रहा है ये नॉच के साथ, एक वाटर ड्रॉप नॉच है, और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो एक बढ़िया कैमरा है। तो हम इसके सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं। तो अबाउट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्ज़न 9 मिलता है, एंड्रॉयड पाई, और इसकी रैम है 3GB, और इंटरनल 32, 8000 के अंदर आपको 3/32 का ही मिलेगा, वो 10000 के अंदर आपको 4/64 मिल जाएगा। तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, और भी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी फ़ोटो को बेहतरीन बना लेते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसका बैक पसंद आया, इसका ब्लू कलर में, और जो डिज़ाइन हैं, और नीचे आपको रियलमी लिखा हुआ दिख जाता है। तो इसका बैक मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो आपको 8000 के अंदर इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है। तो अगर आप 8000 के अंदर एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आपका बजट 8000 तक है, तो आप में ये तो अबाउट पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्ज़न 9 मिलता है, एंड्रॉयड पाई, और इसकी रैम है 3GB, और इंटरनल 32, 8000 के अंदर आपको 3/32 का ही मिलेगा, वो 10000 के अंदर आपको 4/64 मिल जाएगा। तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, और भी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी फ़ोटो को बेहतरीन बना लेते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसका बैक पसंद आया, इसका ब्लू कलर में, और जो डिज़ाइन हैं, और नीचे आपको रियलमी लिखा हुआ दिख